जी नमस्ते, मेरा नाम राजकुमार सिंह है। 23 अक्टूबर 2023 को हमारा एक्सीडेंट मथुरा रोड पर बाइक और ट्रक के साथ हुई थी, जिसमें मैं काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ था और वहाँ के एक स्थानीय हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट था, किडी हॉस्पिटल में। और 24 अक्टूबर को इंदिरापुरम गाजियाबाद का मैं निवासी हूँ, इसलिए बगल के नोएडा में न्यूरो सेंटर सेक्टर 21 में एडमिशन हुआ। वहाँ पर ये देखा गया कि लेफ्ट साइड में हमारी 8 फ्रैक्चर्स हैं रिब्स में और ब्रेन हेमरेज भी हुई थी। 7 नवंबर को दोबारा हमारी स्थिति थोड़ी ख़राब हुई थी, क्योंकि हार्ट और लंग्स में फ्लूड काफ़ी जमा हो चुके थे। इसके बाद उसी समय मेरी जो बेटी है वो कैलिफोर्निया यूएसए से आ चुकी थी, और उसमें उन लोगों ने जो डॉक्टर अरविंद कुमार हैं यहाँ लंग्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन, उनकी काफ़ी ख्याति सुनी थी। तो जब मैं हॉस्पिटल में नोएडा में एडमिट था, उस दौरान वो मिलने की चली आई। मिलने के दौरान में तब ये उन लोगों ने फैसला किया था हमारे बच्चों ने कि जब वहाँ से डिस्चार्ज होंगे तो एक बार रिवीजन के लिए यहाँ दिखाने आएंगे। राजकुमार सिंह जी का एक्सीडेंट जो हुआ था, उससे उनके जो चेस्ट में चोट लगी थी, उससे चेस्ट के अंदर ब्लड जमा हो गया था। अब ऐसे में यूजुअली ट्यूब डाली जाती है, चेस्ट ट्यूब कहते हैं जिसको, उससे वो ब्लड निकल जाता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर वो जब तक चेस्ट ट्यूब डाली जाए उससे पहले वो सारा का सारा ब्लड अगर क्लॉट हो जाता है, तो कई बार वो चेस्ट ट्यूब से नहीं निकल पाता और वो फिर क्लॉट बनता रहता है, बढ़ता रहता है, और उसके आसपास खूब सारा पानी भी वो पुल कर लेता है और बड़ा सा एक कलेक्शन हो जाता है जो लंग को दबाता है। 18 नवंबर को ही हमारी बच्ची यहाँ पर मुझे मेदांता हॉस्पिटल शाम को लेकर आई, तो उनकी टीम के डॉक्टरों ने मुझे इमरजेंसी में देखा। देखने के बाद मुझे एडमिट किया। अगले दिन डॉक्टर अरविंद साहब मिले और हमारी सीटी स्कैन होने के बाद, चेस्ट सीटी होने के बाद उन्होंने सारी घटना बताई कि यहाँ ऑलरेडी पार्टिकल्स और क्लॉट्स वगैरह जम चुके हैं, जिसकी सर्जरी करना बहुत जरूरी है। इनका एक्सीडेंट हुआ था, उसके करीब 3 से 4 हफ्ते के बाद ये हमारे पास आए थे क्लॉटेड हीमोथोरेक्स लेके, यानी ब्लड चेस्ट के अंदर जमा, उसके अराउंड थोड़ा सा क्लॉट्स, उसके अराउंड ब्लड, उसके अराउंड पानी, और लंग उससे दबा पड़ा था। अब इसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एक तो आपका एक लंग दबा रहता है, वो खराब हो जाता है, और दूसरा चूंकि आप एक ही लंग पे काम कर रहे हो तो फिर सांस की प्रॉब्लम ये वो, और ये बाद में इन्फेक्शन होके जो क्लॉट है ये पस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्पाइमा बन जाता है, तो इसे निकालना ज़रूरी होता है। तो वही हमने इनको दूरबीन के मेथड यानी वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी या वैट्स के द्वारा वो ऑपरेट करके जितने भी क्लॉट्स थे वो सारे क्लॉट्स निकाले। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये 3-4 हफ्ते बाद आए थे, तो उसमें से कुछ क्लॉट्स इनके लंग के सरफेस पे एक लेयर के बीच में रूप में जम गए थे, और वो क्लॉट्स निकालने के बाद वो लेयर उस लंग को पूरी तरह फैलने से रोक रही थी, तो हमें वो लेयर भी वहां से निकालनी पड़ी, जिससे कि लंग कंप्लीटली फैल गया और जितना भी आसपास में सब गंदा मटेरियल था सारा हमने क्लीन कर दिया दूरबीन के द्वारा ही। और जब लंग फैल गया उसके बाद सब अंदर से गंदा मटेरियल निकल गया, तो ये बिल्कुल रिकवर हो गया। 2 दिन बाद यहाँ पर हमारी सर्जरी की गई, और उस सर्जरी में ये पाया गया कि अगर हम ये सर्जरी नहीं कराते तो मुझे बाद में वेंटिलेटर पे ही आना पड़ता 10-15 दिनों बाद। तो ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन हुआ कि जो मेदांता हॉस्पिटल में आए, और डॉक्टर रविंद्र कुमार की टीम में जितने भी डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों ने लगभग 6 से 7 डॉक्टर पार्टिसिपेट किए थे सर्जरी में। इतनी अच्छी से सर्जरी हुई, एक दिन में आईसीयू में रहा, आईसीयू में रहने के बाद फिर वार्ड में आ गया। और सबसे जो मुझे यहाँ पर देखने की अचरज वाली बात मिली कि जिस दिन मैं ओटी से आया उसी दिन से, अभी 1 महीने से लगभग मैं बिस्तर पे था, बेड पे था, ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बेड पे पता नहीं कितने दिन पड़ा रहूँगा। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के 2 डॉक्टर थे, एक डॉक्टर दीपिका और दूसरे डॉक्टर विनीत, दोनों इतने जीवंत डॉक्टर हैं कि वो रोगियों में जान फूंक देते हैं। उन्होंने आते ही हमें ओटी से आते ही 2-4 घंटे के अंदर ही बेड से उठाया, और उन्होंने पहला स्लोगन दिया, बेड इज़ बेड, आप यहाँ जितनी फिजियोथेरेपी करो, वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, जिम करो, उतना ही आपको करना है। एक तरह से उन लोगों ने हम लोग में जान फूंक दिया, और उस दिन से हमारी फिजियोथेरेपी चालू हो गई। फिजियोथेरेपी ने हमें बहुत फ़ायदा किया, और पहली बार मैं 1 महीने बाद अपनी बॉडी को एनर्जेटिक महसूस किया। अब 2-3 महीने इनको एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी, बट उसके बाद अल्टीमेटली ही विल बी 100% नॉर्मल। जो कुछ ये
एक्सीडेंट से पहले जितना कुछ कर पाते थे वो सब कुछ ये कर पाएंगे, इनफैक्ट उससे 10-20% बेटर कर पाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने इन दिनों में इतनी चेस्ट की एक्सरसाइज की है, रनिंग वगैरह की है, कि इनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी पहले से बेटर हो गई है और ये पूरी तरह रिकवर हो गए हैं। जो हमारे यहाँ की नर्सिंग सिस्टम है, जो हमारे नर्स है, उन लोग के पास जो पेशेंट के लिए डिवोशन है, जो डेडिकेशन है, वो देखने लायक है। एक एक पेशेंट को अपने परिवार की तरह, अपने भाई की तरह, अपने पिता की तरह उन्होंने जिस तरह से सेवा की है, उसको मैं हमेशा के लिए अपने दिलों में याद रखूंगा और उन सभी के लिए मैं हमेशा ईश्वर से दुआएं मांगूंगा ताकि उन्हें जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। और हम सभी से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर ऐसे कोई भी केस हमारे तरफ के होते हैं तो ज़रूर आप एक बार यहाँ पर डॉक्टर अरविंद और उनकी टीम के किसी भी एक डॉक्टर से मुलाकात करें, शायद हो सकता है आपके प्राणों के साथ आपकी दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद।